सपा के पूर्व मंत्री ने नम आंखों से पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद को श्रद्धांजलि दी। मैनपुरी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मैनपुरी के भौगांव में सपा कार्यालय पर सपा के पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की शोक सभा का आयोजन किया। सपा के पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने कहा कि आज नेताजी भले ही हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन गरीब किसान युवाओं के लिए किए गए कल्याणकारी कार्य उन्हें हमेशा जीवित रखेंगे। पूर्व मंत्री ने शोक जताते हुए कहा कि नेताजी ने देश प्रदेश में मैनपुरी को पहचान दिलाई। पहले जनपद अति पिछड़े जिलों में गिना जाता था। मौके पर पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि अकबर कुरैशी, सभासद बिल्लू यादव, सभासद उवेश रसीद, रावल सिंह यादव, सौरभ तारापुर, बीटू यादव, कुंवर आदिल आदि लोग मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा भोगांव पार्टी कार्यालय पर सभी समाजवादी साथियों ने कार्यक्रम किया है और माननीय नेताजी शोषित पीड़ित वंचित मजदूर किसान नौजवान के लिए हमेशा उन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली की लोकसभा तक आवाज़ उठाने का काम किया और जब जब भी उन्हें मौका मिला मुख्यमंत्री के रूप में रक्षा मंत्री के रूप में तो किसान नौजवान दलित मजदूर पीड़ित अल्पसंख्यक सारे लोगों के उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया। कैसे इनमें खुशहाली आए, कैसे ये समाज जो बहुत नीचे स्तर का है उसको तो कोई काम नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए तमाम कानून बनाने का काम किया। माननीय नेताजी सबके दिलों में बसते थे और नेताजी के आपने देखा होगा जब उनका अंतिम संस्कार शोभा यात्रा निकली, देश के बड़े बड़े नेता और आम जनमानस उनको देखने के लिए सैफी में मौजूद थे। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है हम लोगों के बीच में नेताजी के रहते हुए उनके साथ काम करने का मौका मिला। वही समझाते थे हमेशा कि नौजवानों किसानों मजदूर होने के लिए हमेशा काम करना। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम लोग बहुत दुखी हैं, उनको याद कर रहे हैं। तमाम ऐसे साथी हैं जो कम से कम 10-12 दिन एक एक हफ्ता दिल्ली में वेदांता में रहकर ईश्वर से प्रार्थना करते रहे स्वच्छ बनने ताई हम लोगों के बीच में आए, लेकिन वो नहीं आए, ऐसी ईश्वर की मंशा नहीं थी। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी में हम माननीय नेताजी को देखते हैं, जो लोहिया जी और राजनारायण जी जो सपना देखा करते, जो माननीय नेताजी छोड़ गए हैं अधूरा, उसको माननीय अखिलेश जी उसको पूरा करेंगे। हम सब लोग उनका साथ देकर इस पार्टी को भी और समाज को देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।